बेल्ट के लिए आपके सामने तोड़ेंगे, यहाँ रखेंगे, ये देखो ओके। तो मैं आपको गिन के बताऊंगा कितने अंडे हुए हैं। तो ये 3 अंडे टूट चुके हैं, 4, 6, 7, 8। तो आप देख सकते हो कितने सारे अंडे इसमें जा रहे हैं एक साथ। तो ये 30 अंडे का ऑमलेट बनने वाला है। संडे को बंदा एक खा लेगा ना 10,000 रुपये फ्री है उसके लिए। तो भैया मैं अनाउंस कर दिया कि 3 ऑमलेट अगर खा लेगा तो 10,000 का इनाम है, 30 अंडे का ऑमलेट। तो अगर आप में से कोई फूडी है तो यहाँ पे आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑमलेट ट्राई करेंगे। तो ये पूरी पूरी खाली होती है, देख सकते हैं आप और अंडे देख सकते हो कितने ज़्यादा हो गए। तो भैया आपने कैसे सोचा कि 30 अंडों का ऑमलेट बनाना चाहिए? यार पहले 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे बढ़ते गए, ऐसा बढ़ता बना बनाया तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्राई पैन लग चुका है यहाँ पे। तो देख सकते हो इन्होंने पूरी बटर की टिक्की डाल दी है और ये डल गया प्याज। ये डल गई मिर्ची, अदरक, टमाटर, तो आप देख सकते हो ये डल गए पूरे 3 संडे में, पूरा का पूरा फ्राइपैन भर गया ही है। तो अगर आप 4-5 लोग एक साथ आ रहे हो तो ये ऑमलेट जरूर ट्राई करें। तो इसके अलावा और क्या क्या बनाते हो यहाँ पे आप? ऐसा स्पेशल ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट है, ड्राई फ्रूट ऑमलेट है, सीख कबाब, सलामी ऑमलेट, ये सब ज़्यादा बिकती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जोमेटो के लिए अगर आप जोमेटो या स्विगी से भी ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑमलेट आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हो। तो इस ऑमलेट का भैया प्राइस क्या रहने वाला है? अभी तो 820 रुपये का आएगा, 820 रुपये का। तो आप देख सकते हैं ये 30 अंडों का ऑमलेट 820 रुपये का रहने वाला है। काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में बटर डाला हुआ है, तो बटर बहुत आएगा इसमें। अच्छा और बटर आने वाला है इसमें, तो बहुत आएगा इसमें। अच्छा 4 चक्की लिखे हुए इसमें, अच्छा 4 चक्की बटर जाएगी इसमें। तो आप देख सकते हो 4 टिक्की बटर और 30 अंडे। तो ये बिगेस्ट ऑमलेट होने वाला है यहाँ पे। तो ये हार्वेस्ट की ब्रेड आ गई इनकी। तो कितने पीस ब्रेड के लगते हैं? 8 पीस। तो साथ में 8 पीस ब्रेड के होते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्रेड भी यूज़ करते हैं। तो पालम का ये मशहूर ऑमलेट बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो ये एक और टिक्की डलने जा रही है यहाँ पे। बट जो बात राजू भाई के हाथ में है वो कहीं नहीं है। तो भैया मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे अंडे की शॉप छोड़ी है, आजकल नकल कर रहे हैं मेरे भैया। अच्छा, नकल करना कुछ नहीं होने का, वो कर लो पूरा आराम से। तो फिर चीज़ नहीं दे सकते आप, तो टेस्ट चीज़ दे सकते, तो टेस्ट चीज़ आपके हाथ में वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे। तो ये देखो पूरा एकदम ऑलरेडी हमने पलट दिया यहाँ पे।
तो काफ़ी हैवी हो गया ये ऑमलेट, तो काफ़ी माहिर भैया मेरे काम में। 1992 से यहाँ पे मैंने शॉप लगाई है, तब से ये ऑमलेट बना रहा हूँ, इतना माहिर हो चुके इस काम में। तो मैंने लगता थी 9 मिनट, 9 मिनट बन जाते हैं, पकाना ही बनता है। तो ऑमलेट देख सकते हो एकदम गोल्डन कलर का हो गया और बाहर बाहर से पक गया, अंदर से थोड़ा सा भी पकना बाकी है। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से कैच कर रहे हैं ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाइए। देख सकते हैं बटर बहुत ज़्यादा बटर डाल गया, काफ़ी हैवी ऑमलेट होने वाला है। अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट करनी है या इवनिंग में कोई स्नैक्स खाना है तो आप यहाँ पे आके ऑमलेट ट्राई कर सकते हो। ये क्या डाल रही है? मसाला, कितना मसाला है? और ये आ गया हरा धनिया, बहुत चटपटा होने वाला है। ये कट कर दिया भैया, अच्छा है लग रहा है, पीस बाय पीस अच्छे लग रहा है। फुल ये लग गया चुकंदर, कोई लेटेस्ट डाल दिया इन्होंने यहाँ पे। तो ये चीज़ डालेंगे भी अनिल जी, ये देखो चीज़ आ गई इसमें, चीज़ देख सकते हो क्वान्टिटी देखिए। मुझे नहीं लगता पूरी दिल्ली में कोई इतना बढ़िया होने वाला है और इतने बड़े साइज का। ये बहुत ही स्पेशल पसंद वाले हैं, तो तीस अंदर का जो पड़ता लगा रहा है उसी साथ लगा रहा है। तो ये डल गया यहाँ पे अमूल बटर, प्याज टमाटर कितना बढ़िया लग रहा है। और ये डेरा पूरा एकदम इंडिया मिक्स है जो है।